तरफ थोड़ा हम पर ध्यान दो, हमारी परिस्थिति को समझो। हम सिर्फ आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम रिटायर हों तो कम से कम पेंशन के साथ रिटायर हों, ताकि आत्मसम्मान के साथ हम आगे की जिंदगी जी सके। यूं तो आपने राहुल को लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए देखा होगा, या फिर राहुल की ओर से निर्भया के परिवार की आर्थिक मदद करने की खबर सुनी होगी। लेकिन अब जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रखा है, उसमें राहुल के साथ एक महिला की भावुकता साफ देखी जा सकती है। राहुल गांधी अहमदाबाद के निकोल में ज्ञान अधिकार सभा में अध्यापकों से बातचीत कर रहे थे कि इस बीच एमबी पटेल राष्ट्रीय सभा कॉलेज की एक प्रोफेसर रंजना अवस्थी अपनी तकलीफ राहुल को सुना ही रही थी कि भावुक हो उठी और उनके आंखों में आंसू भर आए, जिसके बाद बिना वक्त गवाए राहुल गांधी सीधा रंजना के पास गए और उन्हें गले लगा दिया। या फिर यूं कहे कि परेशान रंजना को जैसे ही राहुल गांधी ने जादू की झप्पी दी, वो राहुल से लिपटकर रोने लगी और ऐसा नजारा देख वहां मौजूद बाकी लोग भी भावुक हो उठे। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रोफेसर रंजना राहुल से लिपटकर रोती हुई नजर आ रही है। दरअसल रंजना का मानना है कि सरकार की नीति के चलते रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन स्कीम के लाभार्थी नहीं रह पाएंगी और साथ ही पीएचडी होल्डर होते हुए भी उन्हें कभी पूरी सैलरी नहीं मिली और ना ही मैटरनिटी लीव मिली, जिसके लिए उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपानी का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में ये देखना बाकी है कि रंजना की तकलीफों को जादू की झप्पी देकर क्या राहुल गांधी उनकी मदद कर पाएंगे।